धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली इस मंगलवार से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तुम इतने परेशान क्यों? राशि बहन माजी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? भाभी बताइए ना, हुआ क्या? राशि बहन, क्या हुआ? क्या हुआ गोपी? राशि बहन, क्या हुआ राशि को? गोपी बोलो ना। राशि बहन, राशि बहन बोरूम के गड्ढे में गिर गई। जल्दी चलो, ठीक है चल। राशि कहाँ है बताओ तो सही। तो राशि का राशि ठीक है, देख संभल। कृष्ण भगवान, राशि राशि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। राशि राशि हिम्मत रखो। जगह जी मुझे यहाँ से जल्दी निकालिए ना प्लीज। राशि राशि धैर्य रखो, हम सब पहुंच चुके हैं। राशि बहन, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जीगा जी, मेरी डिग्री को बचाओ। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं मोदी भवन से बोल रहा हूँ। हमारे परिवार के एक सदस्य बोरवेल के गड्ढे में गिर गया, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। अपनी बहन को बचाओ। कोई रस्सी लाओ भाई, हमें रस्सी चाहिए। हम रस्सी डाल के राशि को बाहर निकाल सकते हैं। सी? हाँ रस्सी। मीठे जल्दी से रस्सी लेकर आ। जी नानी भाभी। मीठी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रस्सी देती हूँ। राशि हम रस्सी ला रहे हैं। राशि हम रस्सी डाल के तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। राशि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी निकालिए। राशि मैं हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। राशि मैं तुम्हें जल्दी निकालूंगा। ये बोरवेल इस तरह से इसका खड्डा खुला कैसे छोड़ दिया? हर आए दिन अखबार में टीवी में ये खबरें आती रहती है कि इसी तरह बोरवेल में कितने ही लोग गिर गए। कोकिला वो सब बाद में, पहले हम राशि को बाहर निकालने का सोचते हैं। राशि बेटा तुम चिंता मत करो, बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ प्लीज मुझे जल्दी निकालिए, अंदर बहुत अंधेरा है। राशि अब कैसे भी करके तुझे बाहर निकालेंगे। राशि बेटा अब बिल्कुल मत घबराइए, खाना जी को याद कीजिए। खाना जी भाई। राशि मैं रस्सी अंदर डाल रहा हूँ। हाँ तुम रस्सी पकड़ो। राशि बेटा बिल्कुल धैर्य रखना, हम सब हैं यहाँ पे। राशि रस्सी पकड़ो। राशि
माँ जी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं गोपी वो मैं फोन कर लेती हूँ, हाँ तुम बस राशि को हिम्मत दिलाती रहो। अब किंजल फोन दो तुम्हारा। अरे मेरी राशि को क्या हुआ है, उसे चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर क्यों क्यों बुला रहे हैं? डॉक्टर को इसीलिए फोन कर रही हूँ कि राशि जब बाहर आएगी तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ी तो। हेलो डॉक्टर, हाँ मैं मोदी भवन से कोकिला मोदी बोल रही हूँ। देखिए हमारी बहू राशि वो सविता बहन के कंपाउंड में बोरवेल में गिर गई है, आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचिए। सर जय श्री कृष्ण। हाँ राशि रस्सी अच्छे से पकड़ो, हम तुम्हें 2 मिनट में बाहर खींच लेंगे। खींचो राशि कस के पकड़ना। हाँ तो आराम से दिखा खींच। खींच खींच अब धीरे धीरे ऊपर आ जाना। हाँ घबराना नहीं, आराम से देखो लगे नहीं तुम्हें, संभाल कर राशि संभाल के। हाँ संभाल के। राशि कुछ बोलो राशि, राशि तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? राशि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? राशि राशि जवाब दो। जिगर जी मैं यहाँ बीच में अटक गई हूँ। भगवान राशि मैं वापस से रस्सी फेंकता हूँ, तुम कस के पकड़ना, हम तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकाल लेंगे। राशि लो। नहीं नहीं जिगर जी मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ और अब मैं रस्सी नहीं पकड़ सकती। अगर मैं हिली तो मैं और नीचे चली जाऊंगी। अरे क्या आप लोग इतने सारे लोग मिलके मेरी एक दिकरी को बाहर नहीं निकाल सकते? शांत हो जाइए, कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा। अरे बच्ची जी कुछ कीजिए ना। जिगर रस्सी रस्सी नहीं पकड़ पाएगी, क्यों ना हम खड्डे में सीढ़ी डाल दे ताकि वो सीढ़ी चढ़ के बाहर आ जाए। क्यों भाई? राशि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, राशि हम सीढ़ी जा रहे हैं। राशि हिम्मत रखो, हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल लेंगे। राशि बस बस हम लोग कुछ कर ही रहे हैं, तुम चिंता मत करो। हे कृष्ण भगवान हमारी राशि को बचा लो। देखिए हमें जो कुछ भी करना है ये अंधेरा होने से पहले ही करना है। खड्डे के अंदर बहुत अंधेरा है, हमें जल्द से जल्द एक टॉर्च चाहिए। हाँ टॉर्च मैं लेकर आता हूँ। हाँ क्या चाहिए मुझे बताइए। मैं टॉर्च चाहिए। टॉर्च समीर मेरे कमरे में है, कम। ठीक है मैं सीढ़ी लेकर आता हूँ। राशि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत जल्दी बाहर निकाल लेंगे। कोई तो निकालो राशि को, कोई तो निकालो। माँ बा आप लोग शांत हो जाइए, घबराइए नहीं। मैं समझ सकती हूँ स्थिति बहुत नाजुक है, आप भी बहुत परेशान हैं, लेकिन हम सब यहाँ है ना, आप दोनों घर जाइए। नहीं कोकिला बहू, जब तक राशि बाहर नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ कोई नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। अरे कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। डॉक्टर जी मेरी दिक्री की रक्षा करना। ऐसा करिए आप फई को संभालिए, नानी और बा को मैं अंदर ले जाती हूँ। नानी बा मेरे साथ अंदर चलिए और जिद मत करिए, प्लीज चलिए। हमको नहीं जाना है घर। बा रानी मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं आप लोग अभी के अभी मेरे साथ अंदर चलिए। रेवती तू जा। नहीं जनको तू जा, मैं यहीं पे रहूंगी। आप दोनों ही मेरे साथ चलेंगे, मैं एक नहीं सुनूंगा आप लोग। चलिए चलिए आप लोग अंदर। जाशी बेन अब मुझसे बात कीजिए। हॉपी मुझे यहाँ से बाहर निकालना। अब बिल्कुल मत घबराइए राशि बेन, और देखिए अभी टॉर्च भी आ जाएगा। यहाँ बहुत अंधेरा है,
मुझे हर डर भी लग रहा है। गोपी बहू देखो तुम रो मत, तुम राशि को हौसला दो, दिलासा दो, उससे बातचीत करो, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करो, बात करो, बात करो। हाँ राशि, मैं जब हम छोटे छोटे थे लुका छुपी खेलते थे, और एक बार उसी खेल खेल में आप अलमारी में बंद हो गई थी। मामा जी और मामी जी भी घर पे नहीं थे, याद है ना आपको? रोपी मुझे याद है, उस दिन मैं कमर में अटक गई थी और तू कमर के बाहर बैठ के मुझे स्टोरी सुना रही थी, है ना? हाँ राशि, और आप समझ लीजिए आज फिर से वही दिन है, आप वहाँ और मैं यहाँ। और गोपी उस दिन तो तूने कुछ खाया पिया भी नहीं था, मेरे पास ही बैठी थी कपड़ के बाद। ये लीजिए। मोटा भाई कुछ भी हो जाए लेकिन सहायता टीम अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सोच भी नहीं सकती कि यहाँ किसी का इस तरह एक्सीडेंट हो सकता है। गड्ढा खोदकर उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया? अमेरिका में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। ए चिकना चुप कर जा, और यार खड़ी खड़ी अमेरिका का गुणगान मत गा, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। ना तो मंडप छोड़ के भागती और ना ही तेरे पीछे मेरी दिक्री को भागना पड़ता और ना ही ये गत्ते में पड़ती। साथ